नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसएससी क्लास। कार्यपत्रक 84, तिथि 10/2। 10/2 जो आपके मन में है सब 10/2। 10/2 जी, 10/2/2021। विषय विज्ञान, सब्जेक्ट विज्ञान साइंस, कक्षा 9वीं। ठीक। और ये आपका पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर क्या चल रहा है? अणु और परमाणु, पुनरावृत्ति चल रही है आपकी। अणु परमाणु अभी सब चीजें आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आपके परमाणु, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और ये प्रतीक वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, वर्कशीट 13 से ही स्टार्ट हुई थी ना। वर्कशीट 13 के बाद आपकी वर्कशीट 14 में देखी आपने, बहुत यहाँ पे यूपीएससी का नाम कर पजल दिखाई गई है। सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिनियम, जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, हमने मिलाई भी थी वहाँ पे। इसका नाम, प्रतीकों का नाम सेम है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, सब आपका वहीं से सेम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपको लग रहा है ये नया है, बिल्कुल नया नहीं है, जो भी है सब कुछ पहले वाला ही है, बस आपका रिविजन चल रहा है। चलिए अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले है परमाणु। तत्व का सूक्ष्मकरण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। वह पदार्थ के सभी, ये कौन, ये भी तो पढ़ रहे हैं, हटाओ साइड में। पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीत होता है। प्रतीक अलग होते हैं इनके। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, IUPAC, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं वर्कशीट 14 में, देखो IUPAC। ठीक है, एक अलग से इस पे क्वेश्चन भी आया था आपका। और मैं सीबीसी क्लास के टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से याद होते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ तत्व, पहले फिलहाल कुछ तत्व व उनके प्रतीक निम्न अनुसार है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं फिर इस वाले पे आएंगे। ठीक, आपका है यहाँ पे क्या दिखाया गया है, हाइड्रोजन H से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को N से, कार्बन को C से, जिंक को ZN से, Z कैपिटल होगा, N स्मॉल होगा, मैग्नीशियम को M कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा, पोटेशियम को K से, सिल्वर को Ag से, बोरोन को B से दिखाया जाता है, क्लोरीन को Cl से, आयरन को Fe से, ऑक्योगेन, 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 ये कौन सा और से दिखाया, ऑक्योगेन, ओ माई गॉड, ओला, ओ भाई, ये तो हमने भी नहीं पढ़ा, हमारे टीचरों ने भी नहीं पढ़ा रखा, ऑक्योगेन। ओ इसकी दूसरी वर्कशीट 14 इधर आ, यहाँ पे देखते हैं। ओ ऑक्सीजन, वाह। और प्यारे बच्चों, मेरी मात्राओं में कमियां निकाल रहे थे ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है, निकालनी भी चाहिए ताकि उसे मैं आगे इम्प्रूवमेंट करूँ उसमें। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन देखो, वर्कशीट बनाते बनाते भी आपने ऑक्सीजन, यार ऑक्योगेन एकदम टोटल ही अलग हो गया बे, तभी मैं कहूँ ये कौन सा है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं। ठीक है। ओ भाई, इसके बाद क्या होता है पता है ना, एक है ना, ओ भाई, टन। चलो आगे बढ़ते हैं। आयोडीन को आई से, कॉपर को CU से, सल्फर को S से, कैल्शियम को CA से, एल्यूमिनियम को AL से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान, चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखाऊं तो वर्कशीट नंबर 15, 14 के बाद वर्कशीट नंबर 15 यहाँ पे देख रहे हो ना, यू से यूनिफाइड होता है, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। और ठीक है, तो ये चीज है, परमाणु को द्रव्यमान जो ज्ञात करना काफी मुश्किल होता है, उसके लिए यहाँ पे नया फॉर्मूला ईजाद किया गया था, कैसे ज्ञात करना है। तो ये चीज़ आप पहले वर्ष नंबर 15 में सीख चुके हैं, 15 वाली बात यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं, जो कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12, देखो ये रहा, ठीक है, C12 समस्थानिक, याद रखना कार्बन परमाणु जैसा माने C12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान की तुलना करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा नियम है, अगर इसको और डिटेल्स में पढ़ना है तो वर्कशीट 15 देख लीजिए, वहाँ पे पहले कराया जा चुका है। ठीक है,
अब आगे आते हैं, इसमें है अणु। अणु किसी तत्व तथा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणुकता, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं। वृक्ष संख्या, आइए परमाणुकता, ये देखिए वृक्ष नंबर 15 के बाद आपकी 16। अच्छा जी, लगातार एक साथ इन्होंने रिवीजन करा दी, कोई बात नहीं। अच्छा मैं दिखा दे रहा हूँ, वृक्ष 16 में परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान अगर पढ़े हैं तो आपको साफ पता चल जाएगा। यहाँ पे आप बच्चों पहले भी निकाल चुके हो। देखो परमाणुकता किसे कहते हैं, इनका रासायनिक परमाणुकता बताइए, ठीक है। बहुत आप चीजें पहले से कर चुके हैं, अगर इसे और अच्छे समझना है तो वृक्ष नंबर 16 जरूर देखिएगा। चलो अब बगल में देखें कुछ समान तत्वों की परमाणुकता। तत्व आर्गन एक परमाणु, हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन द्वि परमाणु, हाइड्रोजन द्वि परमाणु, नाइट्रोजन द्वि परमाणु, सल्फर बहु परमाणु होते हैं आपके, ठीक है। तो सब पहले वाला ही रिवीजन में चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका इसमें आ जाता है यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक में अणु निर्मित करते हैं। आयन, आयन आगन, आयन भी था ना इसमें आपका, ये इधर 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 देखियो, परमाणु अणु आयन अणु, तत्व के अणु यौगिकों के अणु, ठीक है। एक ही प्रकार से परमाणु रासायनिक गुणधर्म ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मिल गए और ये भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है और आवेशित कणों का आयन कहते हैं। यह इन पर धन अथवा ऋण आवेश होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे NaCl पर सोडियम पे प्लस चार्ज है जबकि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। ये वर्कशीट में आपको 15 दिखा रहा हूँ, ठीक। आयन, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। वह ऋणावेश भी हो सकता है और धन आवेश भी हो सकता है। रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। यहाँ पे आपका सिंपली सब खत्म हो जाता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र बनाना आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको उसकी जो लास्ट में संयोजकता होता है वो पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से प्लस और माइनस चार्ज लगाए जाते हैं, उसी संबंधित था। आपको ये चीज़ें और डिटेल्स में आपको पढ़नी है तो वर्कशीट नंबर जो आप है आपकी 15 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि चीज़ें वो पहले ही डिटेल्स में और हैं आपकी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आपके प्यारे प्यारे प्रश्नों के जवाब देना है। अब ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? तो जवाब भाई साहब आइए, ये रहे जवाब भाई साहब, ठीक है। इस प्रकार से पहले का, ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान का मान 16 यूनिफाइड 16 यू होता है। प्रश्नानुसार 32 है, 32 यू दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु के आणविक द्रव्यमानों को दर्शाया गया है, ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम HG, PUBG, फ्री फायर और मतलब कि और, अरे नहीं यार फ्री फायर नहीं, पबजी नहीं है, मेरे को लगा पबजी आ गया कहाँ से यार, पबजी कौन सा सूत्र है। तो चलो इनके आपको प्रतीक दिखा देते हैं, प्रतीक तो दिए गए, इनके तत्व बताने हैं। तो HG से होता है आपका मरकरी, ठीक है, इसे पारा भी बोलते हैं। PB से होता है आपका लेड, बच्चे भूल जाते हैं लेट किसे कहते हैं इसलिए सीसा मैंने लिख दिया, घबराना नहीं है बिल्कुल। AU से आपका होता है सोना, AG सिल्वर, सिल्वर और इसको चांदी भी कहते हैं, ठीक। सोना चांदी चौंपरास, उसमें AU AG फुल भरा होता है। अब ऐड नहीं आता सोना चांदी चौंपरास, मतलब पहले बेफू बनाया अब नहीं कोई चौंपरास आ रहा। चलो और ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, टीन, टीन को एसन से दिखाते हैं आपका, तीन किससे हो जाएगा आपका SN, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न दो खत्म हो जाता है, प्रश्न नंबर तीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन, एक दो तीसरी तरफ, निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। तो ऑक्सीजन परमाणुकता देखो यहाँ पे बताई गई है आपकी, आर्गन में एक ही होता है, हीलियम का एक है, ऑक्सीजन के द्वि परमाणु है, हाइड्रोजन के द्वि परमाणु, नाइट्रोजन के द्वि परमाणु, सल्फर के बहु परमाणु होते हैं। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी मदद ली है, तत्व ऑक्सीजन पे O2 होता है, द्वि परमाणु है आपका।
प्रामुखता और समझने के लिए आपको देखिए वृक्ष नंबर 16 में बार बार दिखाता हूँ, ये आपने कई बार ऐसी चीजें कई बार लिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्रामुखता किसे कहते हैं, इन रसायनों की प्रामुखता बताइए। ठीक है, कई आप चीजें लगा चुके हैं, आपको लग रहा है मुश्किल, बिल्कुल नहीं है। वर्क शीट नंबर एक बार 16 देखिएगा, मजा आएगा। और उस टाइम पे मैंने इसमें एड्स भी उतनी लगा रखी, अब तो बहुत सारी एड्स भी दिखाई देती होंगी। पहले वाले में बस दो एड्स शुरू में एक लास्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कह रहा, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपकी बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, ऑक्सीजन में हो गया, ओजोन में O3। अब ओजोन और ऑक्सीजन जो हमारे मतलब शरीर के अंदर जाती है, काफ़ी अच्छी गैस है। लेकिन अगर हम ओजोन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु आ जाते हैं तो ये एक जहरीली गैस बन जाती है। जो ऑक्सीजन, जो ओजोन परत है आपकी, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बनती है। ठीक है, अगर ये आप लेते हैं तो इससे जान जा सकती है, एक जहरीली गैस होती है O3। वहीं पे O2 आपका एक फायदेमंद गैस है और इसे लेना भी चाहिए, नहीं लेंगे तो वैसे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा फैक्ट था, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इस बात पे तो लाइक बनता ही है। ऑक्सीजन O2 द्विपरमाणिक, ओजोन O3 त्रिपरमाणुक, जो नियोन है इसमें एक है एक परमाणु, सल्फर में 8 होते हैं, ये बहुपरमाणु बन जाता है आपका। ठीक है, सल्फर के बाद यहाँ पे आपकी और चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, फास्फोरस इसमें 4 परमाणु होते हैं, चतुर्परमाणु होता है, इसे बहुपरमाणु भी कह दो, 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो इसे आप क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। लेकिन यहाँ पे अगर वर्कशीट नंबर यहाँ पे दिखाओ, वर्कशीट नंबर 16 पे देखेंगे, यहाँ पे आपका द्विपरमाणु के बारे में है, ठीक है, और 3 है तो उसे त्रिपरमाणु भी कहा गया है, तो 4 होंगे तो चतुर्परमाणु भी होता है, लेकिन 4 के बाद बहुपरमाणु बोल देते हैं। ठीक है, सोडियम Na है, इसमें 1 होता है तो 1 परमाणु होता है आपका। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो जाता है। तो चलती है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में मौजूद तत्वों का नाम बताएं। तत्वों का नाम, पानी, अमोनिया, अरे जल लिख लेते, जल पता है, कई क्या बताऊं मैं, साइंस में पानी कभी लिखते ही नहीं है, जल लिखते हैं, बाकी आपकी इच्छा, पानी लिख दो, जल लिख दो, नीर लिख दो, हैं नीर लिख दो, और शुद्ध अमोनिया, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, एथेनॉल, यही आपका सबका। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पानी सूत्र है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया NH3, N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन है आपका। मीथेन CH4, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, बहुत सारी चीज़ें, सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ पे S से सल्फर, O से ऑक्सीजन। एथेनॉल C2H5OH, यही है आपका जो एल्कोहल कहते हैं ना, यही है आपका क्या, एल्कोहल, जिसे पीने के बाद बम 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 हो जाता है आपका। इसके अंदर पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाता है, एकदम प्यारे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। प्रश्न नंबर 5, ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। वैसे इसने दे ही दिया गया है ग्लूकोज का सूत्र, नहीं तो याद नहीं होगा तो मैंने कई बार बताया CHO 6 12 6, ऐसे ही करके याद कर सकते हैं ग्लूकोज का सूत्र आप, तो CHO 6 12 6। बाकी आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 यूनिफाइड, H का 1 यूनिफाइड, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड, ये तो दे ही, पेपर भी मिल जाता है कई बार ये, ठीक है, लेकिन आप सवाल लगाते रहे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो इसमें क्या बताना है, आणविक द्रव्यमान, क्या बताना है, आणविक द्रव्यमान। और वर्कशीट में इसको करने से पहले वर्कशीट आपकी 16 दिखाऊं तो पुरानी वर्कशीट निकालने में भी समय लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए करना है। आणविक द्रव्यमान देखो, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान पर कल की चीज देखो, NaCl, CuSO4, H2CO3, H2O, तुम कईयों का हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ अगर आपको याद करनी है तो वर्कशीट आपको 16 एक बार जरूर देखनी होगी। चलो यहाँ पे है CHO 6 12 6, कार्बन का दे रखा था 12, यहाँ से 6 का 6, वैसे इसको आगे लिखते हैं बच्चों, लेकिन कई बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता आगे पीछे, तो इस प्रकार से लिख दो। वैसे इसका बस उसने आणविक द्रव्यमान पूछा तो आसानी से यही होगा इसका आंसर। तो 12 का 12 6 गुणे में आ जाएगा, H का 1 दिया गया है गुणे में 12, ऑक्सीजन का 6 दिया गया है यहाँ पे, सॉरी 16 दिया गया है, और यहाँ पे गुणे में 6 हो जाएगा, 12 6 72, 12 कम 12, 16 85, 16 6 96, 16 6 96 हो जाएगा। ठीक है, आपका जोड़ देंगे यहाँ पे, जोड़ने के बाद 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में लगा, 1 9 1 10, 7 8 18, 180 U,
180 यूनिफाइड, इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर हो जाता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत ही प्यार से समझ में आई होगी। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा वर्कशीट 16 आप जरूर देखें प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा। वर्कशीट 16 में मैंने काफ़ी अच्छा ध्यान साथ के साथ करा रखा है, ठीक है। तो मैसे बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब स्कूल तो जा ही रहे होंगे, अब फुर्सत मिलेगी तभी ये वर्कशीट करोगे आप, अच्छा है। मैसे बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।